उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने ड्रैगन मॉल को गिराने का काम फिर से शुरू हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मॉल को गिराना शुरू किया है। पहले नवंबर में इसे गिराने का काम चलाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के स्टे के बाद काम रोक दिया गया था। अब न्यायालय ने स्टे हटा दिया है, इसीलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ड्रैगन मॉल को फिर से गिराना शुरू कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि मॉल को भूमाफिया ने अवैध तरीके से बनाया था। लखनऊ में और जो एलडीए के जो नोटिफाइड एरिया है, इसके अंतर्गत जो माफियाओं के इलीगल कंस्ट्रक्शन बिना नक्शे की बिल्डिंगें हैं या अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया गया है, इन सब के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के अंतर्गत लाल बाग स्थित जो ड्रैगन मॉल था, जो कि एक आवासीय परिसर में गलत जमीन पर बना करके इलीगल एक टोटल बिल्डिंग थी और एक 6 मंजिली एक मॉल थी, जिसको नोटिस भी दिया गया, पूरी विधिक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और पूर्णतया इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। माफियाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है और उन लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जिन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, और साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा जमीनों पर इलीगल कब्जा या इलीगल या अवैध बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई आगे भी करती दी जाएगी। लखनऊ के लालबाग के डॉक्टर सूजा रोड पर ये मॉल बना हुआ है। आरोप है कि ड्रैगन मॉल का निर्माण अवैध था। जिस जगह पर यह मॉल बना हुआ है, वहां पर 2 मंजिला आवासीय उपयोग का नक्शा स्वीकृत करा मौके पर बेसमेंट व 4 मंजिला मॉल बना दिया गया था। लखनऊ से इंडिया टीवी डिजिटल की रिपोर्ट।